गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा दूसरा दिन है वर्मी कंपोस्ट का, ये दूसरी वीडियो बन रही है दोस्तों। अगर अभी तक आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप मेरी पहली वीडियो देखो, क्योंकि हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं मात्र 10 दिन के अंदर, जो कि गोबर से बनाने वाले हैं। तो आप गोबर की खाद कह सकते हो यार, वर्मी कंपोस्ट तो आप नहीं कह सकते। गोबर की खाद हम 10 दिन में तैयार कर रहे हैं। तो ये देखोगे तो हमारा गोबर यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी कल हमने इसको जो प्रोसेस करना था वो किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, तो आप वो भी देख सकते हो। और अभी आज दूसरा दिन है। आज आपने क्या करना है, इसको पहले उलट पुलट करना है। देखोगे यहाँ पे इसकी सैलरी इकट्ठी हो रही है यहाँ पे, ये हम इसको लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो आप देखोगे मेरा पूरा ड्रम भर चुका है इसकी वेस्ट पानी से, जो इसकी सैलरी वगैरह निकली थी कल। जैसे भरता है मैं वैसे इसके अंदर डाल देता हूँ। दिन में कम से कम 5-10 चक्कर काटने पड़ते हैं ऊपर तक, ताकि ये इकट्ठा कर सकूँ मैं। तो दोस्तों अभी अपने सेकंड डे में क्या करना है, इसको उलट पुलट करना है पहले इस तरह, ताकि इसकी जो गर्मी है वो बाहर निकल जाए। वैसे तो ठंडा हो चुका है ये थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत कसर रह रही है वो भी पूरी हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको उलट पुलट कर देना। इस तरह से, ताकि इसकी सारी गर्मी निकल जाए, गर्मी ना रहे। अभी जैसे जैसे मैं पलट रहा हूँ तो हीट वगैरह निकल रही है इसके अंदर। तो ये देखो इस तरह से आपने सारा कर देना, इस तरह से जितना भी है सारा पलटते जाओ, जितना पलट सकते हो उतना पलटना। जैसे जैसे पलटोगे ना इसकी हीट बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों पहली वीडियो जो मैंने बनाई है इसकी, इसके पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो कि गोबर की खाद 10 दिन में कैसे बनाएं। तो बाद में मत बोलना यार कि खाद की वीडियो कौन सी देखें और कैसे बनाएं खाद को। अब हीट निकलनी शुरू हो रही है इसमें, पूरा अच्छी तरह से आपने इसको पलट देना है इस तरह से। तो जैसे हमने ये पलट दिया, तो दोस्तों इसको ना पलटने के बाद अभी आपने क्या करना है, जो इसका वेस्ट पानी निकला था उस पानी को हम लेंगे। ये ताज़ा पानी मैं इसमें डाल देता हूँ। और ये जो हमारा इसी का पानी निकला था, इसी पानी को हम दोबारा से ले लेंगे इस तरह से, और इसको इसके ऊपर ऐसे छिड़क देंगे दोबारा से। आपने जब एक बार आपने सिंपल पानी देना, दूसरी बार आपका जो सैलरी निकलेगी वही पानी आपने दोबारा देते जाना है। आपने पानी को चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह पानी से डाल देना। दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है खाद बनाना। अगर आप 10 दिन में अपनी खाद बनाना चाहते हो तो यार इस तरह से आप बनाओ खाद को। ये देखो जितना डाल सकते हो उतना डाल दो, बाद में ये वापस इकट्ठा हो जाएगा। ये पूरा पूरा सर्कल आपका चलता जाएगा जैसे मैं करता जा रहा हूँ इसको। तो इस तरह से हम
डाल देंगे। ये डालने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। अब ये ना डेयरी ना कम होती जाएगी जैसे जैसे हम इस पर पानी डालते जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो डेयरी हमारी कम हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे हमने अब इसको भिगो दिया, अब ऊपर पानी हमारा इकट्ठा होने लग गया, तो इसका मतलब हमने अब इसके अंदर और पानी नहीं डालना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इकट्ठा हो गया। तो दोस्तों आज आपने क्या करना है, अगर आपका वर्मी कंपोस्ट एक कट्टा है यानी कि 20-25 किलो है, तो आपने 1 लीटर गौमूत्र या भैंस का मूत्र या बैल का मूत्र, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो आप मिक्स अपने गौशाला वगैरह जो भी है, जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। अब वो लाने के बाद हम इसको कल इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो खाद बनने वाला है वो और ताकतवर हो जाए। क्योंकि गौमूत्र के अंदर, पेशाब के अंदर, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, चाहे बैल का हो, उसके अंदर काफ़ी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो खाद को गलाने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। गौमूत्र जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो ये निकल रही है, तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा, तो जितना भी पानी होगा वो हमारा यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे डब्बा लगा देता हूँ, तो इस तरह से हमारा ये जो इकट्ठा होगा मैं इसको दोबारा से इस ड्रम के अंदर डाल दूँगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो आपको पेस्टिसाइड वगैरह या कोई भी स्प्रे वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। खीरे के ऊपर मेरे वाइट फ्लाई आई हुई थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा खीरे का प्लांट, और ये देखोगे एक भी आपको वाइट फ्लाई दिख जाए तो आप मेरे को बता देना। ये देखो एक भी वाइट फ्लाई नहीं है, एक भी किसी के ऊपर भी, आप कोई सा भी पत्ता आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा कारगर है अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। मेरे ना प्लांट में लीफ माइनर भी आ रहा है, वायरस आया हुआ है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कल काफ़ी ज़्यादा था तो ये देख रहे हो, तो मैं इसी का स्प्रे कर रहा हूँ और मेरे प्लांट हेल्दी हो रहे हैं, अब ये ठीक हो रहे हैं पत्ते, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इतने में इसको इकट्ठा करता हूँ और मैं भी गौमूत्र लेके आऊँगा आज, और कल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे करना है, आज ही लेके आना है आपको, ठीक है। कल सुबह आपको ऐड करने का तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और पूरी अगर आपने खाद प्रॉपर बनानी है अपने घर पे, तो मेरी 10 वीडियो आने वाली हैं खाद को लेकर के। पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, डेली का वर्क क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट करो, देखो और सीखो और समझो। तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही था।